वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका फोर्थ चैप्टर हम कर रहे हैं और फोर्थ चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो भारतीय कार्यपालिका है उसमें हमने राष्ट्रपति को पूरी अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है। क्या होता है राष्ट्रपति का पद, कैसे वो पद संविधान के द्वारा भारत में लिया गया है, किस तरह से राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है, किस तरह से उनको सीमित किया गया है, किस तरह से राष्ट्रपति की विवेकपूर्ण शक्तियां काम करती है, वो सब हम पढ़ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही विस्तार से हम इन चीजों पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से रिलेटेड। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, जिनको हम रियल एग्जीक्यूटिव या वास्तविक कार्यपालिका भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री में ही निहित होती है ये कार्यपालिका शक्तियां। यानी कि जो कार्यपालिका शक्तियां हमने राष्ट्रपति की पढ़ी थी वो सभी प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च प्रधान होते हैं। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन वस्तुतः देश की शासन व्यवस्था की जो बागडोर होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। Although according to the constitution, the president is the supreme president of the nation, but in reality the reins of governance of the country are in the hands of prime minister. देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति और राष्ट्र नीति निर्धारक देश का प्रधानमंत्री ही होता है। ये सारे जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति से लेकर मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करना और उनके कार्यों और उनकी जिम्मेदारियां, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द पॉलिसी मेकर ऑफ कंट्रीज डिफेंस, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल पॉलिसी। फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द हेड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री टू द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर फंक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से भारत देश में या हमारी शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का स्थान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आप वन बाय वन इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमने बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। अब मंत्रिपरिषद या जिसको हम कहते हैं कि जो सरकार है हमारी, उसके सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या है। येट हमने ये चीज एक बार राष्ट्रपति को पढ़ते समय डिस्कस कर ली थी कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। अंडर आर्टिकल 74 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर असिस्टेंस एंड सजेशंस द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू द कैबिनेट। ठीक है, ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। ये अनुच्छेद 75(1) में लिखा हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड हिज अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। ये लिखा गया है अनुच्छेद 75 में। अब है प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार। हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखी, हमने देखा कि मंत्रिपरिषद का गठन क्या होता है, उसके बाद में अब प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार क्या क्या है। सबसे पहले
प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल के भी नेता होते हैं और संसद में बहुमत दल के भी नेता होते हैं और मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। यानी ये तीनों प्रधानमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल के नेता होते हैं, संसद में बहुमत दल के नेता होते हैं और मंत्रिपरिषद का भी गठन करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री का, ठीक है ना, कि सबसे पहला काम वो बहुमत दल के नेता होते हैं और इस लिहाज से वो सदन के नेता होते हैं और साथ ही साथ वो अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, जो उनका सबसे पहला काम होता है। दूसरा, वो मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करते हैं और इस कार्य में उन्हें लगभग पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। किस मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा वो सारा बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। He distributes the work among the ministers and this work he has almost completed in freedom. यानी कि ये पूरी तरह से जो पोर्टफोलियो डिसाइड करने का काम होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। नेक्स्ट है, आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए वो कह सकते हैं। यदि उनके चाहने पर भी कोई मंत्री त्याग पत्र ना दे तो वो मंत्रिपरिषद को भंग करके नए मंत्रिपरिषद का गठन भी कर सकते हैं। He can ask any minister to resign as per the requirement. If a minister does not resign even on his wish, then he dissolves the council of minister and forms a new council of minister. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उनका पूरा दखल रहता है। तो ये भी प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। That he presides over the meetings of council of minister and has full intervention in the work, decisions, policy making, etc. of the council of minister. उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, उनके बीच मतभेद यदि कोई है तो उनको सुलझाने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। मतभेद होंगे ऑब्वियसली, आप इसे इस बात से समझिए कि जिस तरह से कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें हमेशा जो PWD डिपार्टमेंट होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वो कार्य करता है। अब अगर वो प्रोजेक्ट नदी से संबंधित है तो जल विभाग उसमें शामिल है। बड़े प्रोजेक्ट में काफी सारी विद्युत चाहिए होती है तो विद्युत विभाग उसमें शामिल है। उसके साथ साथ वहां से अगर लोगों का विस्थापन करना है तो गृह विभाग उसमें शामिल है। तो क्या होगा, उन सारे विभागों में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा और उन विवादों का निपटारा किस तरह से करना है, किस विभाग का क्या हिस्सा रहेगा, ये सब प्रधानमंत्री द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। The Prime Minister is the leader of Council of Minister and has the right to obtain information regarding all departments and to resolve differences if any between them. अगर उनके बीच में कोई इस तरह से differences होते भी हैं तो उनको resolve करने का काम भी प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करते हैं और यही कारण है कि उनके प्रधानमंत्रित्व में सरकार भी उन्हीं की कहलाती है। जैसे हम कहते हैं ना मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, तो वो सब इसी वजह से कहे जाते हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री होगा उसी की सरकार होगी, चलती भी उसी की है, बात उसी की मानी जाती है, मंत्रिमंडल उसी के अंडर काम करता है। It is the Prime Minister who decides the policy of the nation and that is the reason why the government under his Prime Ministership is called like Modi government, Nehru government, Indira government, etc. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का लिंक का काम करते हैं। वो राष्ट्रपति, लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना सीधे नहीं दे सकता। कोई मंत्री जाके ऐसे नहीं कि हमारे कैबिनेट की ये सूचना है, ये मंत्री जी राष्ट्रपति जी को देके आ रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओनली प्राइम मिनिस्टर विल डू सो, सिर्फ प्रधानमंत्री ही ऐसा कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट अबाउट द डिसीजन taken by the council of minister. He acts as a link between the president, the Lok Sabha and the council of minister. No other minister can directly inform the president. उसके बाद में प्रशासन में उच्च और सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर जब पढ़ा था कि नियुक्ति संबंधी जो शक्तियां होती है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन वो हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करेंगे। जैसी सलाह प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग नियुक्तियां की जाएगी। जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त इत्यादि।
The president appoints the highest official bureaus in the administration only in consultation with the prime minister, such as governor, ambassador, chairman of Union Public Service Commission, Lokpal and chief election commissioner, etc. उसके बाद नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इन सभी पदों पर, प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति अपने आप सुशोभित हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं पदेन अध्यक्षता। पदेन अध्यक्षता जब कोई एक व्यक्ति किसी एक पद पर हो और दूसरे पद पर वो अपने आप आसीन हो जाए उस पद पर रहते हुए, तो उसको पदेन अध्यक्षता कहते हैं। जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे, वो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होंगे, वो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होंगे और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष होंगे। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको कहा जाएगा एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैनशिप। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एटसेट्रा। इन सब के प्रधानमंत्री जो है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं इसलिए पूरे देश के शासन के ऊपर उनका व्यापक अधिकार रहता है और देश की आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण वही करते हैं, उन पर सिग्नेचर राष्ट्रपति करते हैं। होते वो राष्ट्रपति के नाम से लेकिन उनका निर्धारण जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही हैज एक्सटेंसिव अथॉरिटी ओवर द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर कंट्री। He determines the internal and external policies of the country, and that's why he has called as the prime minister or as the head of executive of a country. Especially हमारे भारत में अगर देखा जाए तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो ये संसदीय कार्य प्रणाली है, इस संसदीय कार्य प्रणाली में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फिर संकट के समय प्रधानमंत्री के अधिकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। अभी तक हम प्रधानमंत्री के अधिकार पढ़ रहे हैं, देखिए हमने राष्ट्रपति के तो पढ़े थे लेकिन उनको एक निश्चित दिए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री उन सभी अधिकारों का उपभोग करते हैं। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हीं के परामर्श से राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जो हमने क्राइसिस पावर्स के बारे में पढ़ा था, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दी गई थी, उन सभी क्राइसिस पावर को राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री के सहयोग या परामर्श से ही काम में ले सकते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ उनकी अभिभाषण अभी घोषणा कर सकते हैं लेकिन उनके लिए जो परामर्श दिया जाएगा वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा ही दिया जाएगा। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंक्रीजेस इवन मोर बिकॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन विद हिम, इन कंसल्टेशन विद हिम द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस द इमरजेंसी पावर। उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को समय पूर्व विघटित कर नए निर्वाचन की आज्ञा जारी कर सकते हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री को लगे कि वहां बहुमत नहीं है और कोई संवैधानिक संकट खड़ा ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री इस बात की सलाह दे सकते हैं कि अब लोकसभा को विघटित कर दिया जाए। ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन प्रीमैच्योरली डिसॉल्व द लोकसभा एंड इश्यू ऑर्डर फॉर फ्रेश इलेक्शंस। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब तक संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री की शक्ति असीम है और वह देश का वास्तविक शासक है। अब आपको क्वेश्चन जो मैं हमेशा कहती हूँ इसी तरह घुमा के पूछे जा सकते हैं कि जब तक संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री की शक्ति असीम है और वो देश का वास्तविक शासक है। इस कथन की समीक्षा कीजिए, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, ये अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? इक्वली इट कैन बी आस्क्ड, एज लॉन्ग एज देयर इज कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज लिमिटलेस एंड ही इज द रियल रूलर ऑफ द कंट्री। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो
ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद आप ये कंक्लूजन लिखेंगे कि हाँ ये बात सही है कि जब तक संसद का मेजोरिटी का अधिकार प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री को असीम शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी उन शक्तियों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदिशें जरूर होती है, चाहे संसद सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं चाहे उस बात के लिए, या चाहे उस बात के लिए और भी कई सारे जैसे काम रोको प्रस्ताव है या फिर स्थगन प्रस्ताव है, इस तरह के प्रस्ताव लाए जाए और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा सकते हैं। और आखिरकार 5 साल बाद तो अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति बनती ही है, जो उत्तरदायित्व है वो प्रधानमंत्री का जनता के प्रति ही बनता है। इस प्रकार जिस प्रकार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का वो निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक है, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में भी यही कहा जाता है कि इज इक्वली जस्ट एज इट इज सेड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, द कैबिनेट इज द गाइडिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज इट्स ड्राइवर, द सेम कैन बी सेड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये कहा जा सकता है कि अगर मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक, तो क्या ये कथन सही है, आप इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके घुमा के और आपको उनका जवाब भी उसी अकॉर्डिंग देना है। क्वेश्चन जरूर घूमे हुए होंगे लेकिन उनका जवाब बिल्कुल सीधा और सपाट होता है। तो देखिए ये होती है हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें अनुच्छेद 74 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, यानी कि अनुच्छेद 74 में जो है वो मंत्री परिषद का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो इस प्रकार से गठन किया जाता है कि ना राष्ट्रपति निरंकुश हो पाता है, ना प्रधानमंत्री निरंकुश हो पाता है और ना ही मंत्रिमंडल जो है वो कमजोर रह पाती है। सो द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन बी सेड एज द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट थिंग, और यू कैन से द मेन हेड और द स्टेट हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट। उसके बाद में आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इस समय हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, तो उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट एंड हामिद अब्दुल्ला इज आल्सो नॉट द वाइस प्रेसिडेंट दिस टाइम, फिर प्राइम मिनिस्टर और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है अलग अलग तरह के मंत्री शामिल होते हैं, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं और पार्लियामेंट्री जो है सेक्रेटरीज भी होते हैं। तो इस तरह से ये मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल का गठन जानने से पहले आपको मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि कई बार बच्चे जो है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है वो भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। तो मंत्री परिषद का गठन जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, अब तक आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन से अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74 और 75 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 74 में यह संबंध उपबंधित हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का संचालन और शक्तियों में सहायता और मंत्रणा के लिए, मंत्रणा यानी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, संघ मंत्रिमंडल में ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है और राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा और विदेशी राज्यों से संबंध में सारी नीतियों का निर्धारण, चाहे वो बजट कैसा बनाना है, हमारी फौज किस तरह से काम करेगी, किस देश के साथ कैसे रिलेशन रखे जाएंगे, कौन सी संधि की जाएगी, कहाँ किस राजदूत को भेजा जाएगा, किस देश का जो राजदूत है वो हमारे देश में आके काम कर सकेंगे, ये सब चीजों का डिसीजन जो है वो मंत्री परिषद द्वारा लिया जाता है और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही संघ का शासन संचालित होता है। The Council of Minister is constituted by the President on the advice of the Prime Minister. Article 74 provides that there shall be a Council of Minister to add an advice of the President in the conduct of the functions and in the exercise of his powers. The Council of Minister works under the leadership of Prime Minister. The real power of executive is vested in the Union Cabinet and the President exercises the powers as per the advice of Union Cabinet.
The cabinet decides the policy in relation to the administration, economic reforms, security and foreign states of the country. And according to the policy set by the cabinet, the governance of the union operates. So, इसी प्रकार से चलती है संघीय कार्यपालिका. फिर गठन किस प्रकार से किया जाता है, इस गठन में हम वो जो अभी मैंने सवाल उठाया था वो भी हम समझेंगे. संघ मंत्री परिषद का गठन राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है. ये हम बार बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको बार बार से पढ़ने से याद हो जाए. मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से होता है. मूल संविधान शब्द में कैबिनेट का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को सम्मिलित किया गया. जब मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, तब इन्हें मिलाकर मंत्रिमंडल को मंत्री परिषद की संज्ञा दी जाती है. यानी तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में होते हैं स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री, और उसके बाद में होते हैं डेप्यूटी मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है ना. तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और जब कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी ये तीनों मिलाकर जो है वो मंत्री परिषद कहलाते हैं. सिर्फ कैबिनेट मंत्री जो होंगे उनको कहेंगे मंत्रिमंडल, ठीक है. और जब इन तीनों को मिला दिया जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, तब इनको संज्ञा दी जाएगी मंत्री परिषद की. तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या फर्क है, तो आप ये लिखेंगे प्रधानमंत्री और उसके विभागों के मुख्य जो मंत्री होते हैं वो सब मिला के कैबिनेट कहलाते हैं, या इनको कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल कहा जाता है. लेकिन जब इस मंत्रिमंडल में राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को भी शामिल कर लिया जाता है तो इसको मंत्री परिषद कहा जाता है. द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द कैबिनेट इज मेड अप ऑफ कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स. द वर्ड कैबिनेट वॉज नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट लेटर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 AD द वर्ड कैबिनेट वॉज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 352. यानी कि जो हमारे देश में आपातकाल का जो आर्टिकल है उसमें इसको शामिल किया गया था. When ministers of state and deputy ministers are appointed to assist the member of the cabinet in their work, then the cabinet together is called the council of minister. तो cabinet और council of minister में थोड़ा फर्क है. कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होती है, मंत्रिमंडल जो है वो मंत्री परिषद का हिस्सा होती है, और मंत्री परिषद में राज्य मंत्री और उपमंत्री भी शामिल होते हैं. अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए. स्तर होते हैं, मंत्री परिषद जो होता है वो तीन स्तरीय होता है. कैबिनेट में तो एक ही तरह के मंत्री हुए, लेकिन मंत्री परिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री और उपमंत्री. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ थ्री टीयर, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट लेवल मिनिस्टर एंड वाइस मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर. कैबिनेट स्तर का मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है. राज्य मंत्री को किसी विभाग का प्रभार स्वरूप जो स्वतंत्र रूप से भी दिया जा सकता है, और सरकार की नीति का निर्णय मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है. लेकिन किसी विभाग के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा नीति निर्धारित करते समय उस विभाग के राज्य मंत्री को भी कई बार बुला लिया जाता है, ठीक है. लेकिन इनमें डेप्यूटी मिनिस्टर शामिल नहीं होते हैं. A cabinet level minister is the head of his department and a minister of state and a deputy minister are appointed to assist him. The minister of state can be assigned the charge of any department in the nature. The decision of the policy of the government made by the members of the cabinet only, but while deciding the policy of the cabinet in relation to any department, the ministers of state that department can be involved in the policy making action as a special invitee. लेकिन उनका कोई खास रोल होता नहीं है. अब है मंत्रियों की संख्या. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पहले देखो
जब तक एक दल की सरकार बनती रही तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 1989 के बाद, या ये कह सकते हैं 1988-89 के बाद जो भारत में परिस्थितियां बनी उनमें गठबंधन सरकारें बहुत मजबूत हो गई, उनमें कोएलिशन गवर्नमेंट आई। अब जैसे जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है कि एक एक दल जो इस कोएलिशन में, जो उस गठबंधन में शामिल है, उसके हितों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो भी अपना समर्थन दे रहे हैं, साहब हमें भी मंत्री बनाओ, हम आपकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, आप हमें मंत्री बनाओ, आप हमारे नेता को मंत्री बनाओ। अब कई बार ये भी होता है कि किसी दल में दो अच्छे नेता हैं, एक को मंत्री बनाया, दूसरे को आया गुस्सा, उन्होंने अपनी पार्टी दूसरी बना ली, अब हमारा सपोर्ट चाहिए तो हमें भी मंत्री बनाओ। तो ऐसे में मंत्रियों की संख्या जो इतनी ज्यादा होने लगी कि कहीं ना कहीं ये जरूरत महसूस की जाने लगी कि मंत्रिमंडल की संख्या जो है वो एक निर्धारित सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी, भी कितने भी मंत्री बन सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल के आकार को सुरक्षित जो है मंत्रिमंडल के आकार को सुनिश्चित करते थे। वो ये देखते थे कि भाई जितनी जरूरत है उतने बना ले। लेकिन 91वां संविधान संशोधन किया गया जो 2004 में किया गया, उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और यही बात राज्यों में भी लागू रहेगी कि किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य में जितने विधान मंडल में, जितने विधानसभा में सदस्य हैं, उनके 15% से ज्यादा नहीं होगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री अब मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या के मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे लोकसभा के टोटल जो सदस्य हैं वो हैं 543, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे यहां मंत्रियों की संख्या होगी लगभग 70 से 75 के बीच। इससे ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, 70 से 75 के बीच मंत्री होंगे, उससे ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। The number of member, or you can say the minister in the council of minister, was not fixed in the original constitution. मूल संविधान में ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। The prime minister at his discretion determined the size of the council of minister, but by the 91st constitutional amendment 2004, it has been laid down that the total number of ministers, including the prime minister, in the union council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha. Thus, the Prime Minister can no longer exercise his discretion in the matter of maximum number of members in the Council of Minister. तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा एक प्रावधान किया गया जिसके अंतर्गत मंत्रियों की संख्या सीमित की गई, ताकि हर कोई मंत्री बनने के लालच में जो नहीं पड़े और इस तरह हमारी भारतीय राजनीति की दुर्दशा नहीं हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के बारे में सब कुछ जाना, प्रधानमंत्रियों की शक्तियों के बारे में जाना। अब एक टॉपिक और हमारा बचता है और वो है वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी क्या स्थिति है हमारे देश में, एक जिसको हम कह सकते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में। इससे पहले हमने राष्ट्रपति को पढ़ा जो कि हमारे सेरेमोनियल हेड थे, सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव थे, या जिसको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने आज मंत्रिमंडल को पढ़ा है जो कि हमारी रियल एग्जीक्यूटिव है, लेकिन अब बाकी है हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे नौकरशाही के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।